हेलो दोस्तों, ये देखिए आज हम कर रहे हैं रुद्रनाथ ट्रैक और हम लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाए हैं और हमें अभी बहुत ऊपर जाना है। ये हमारे साथी अतुल थककर बैठ गए हैं। वो देखिए, आपको ऊपर चोटी दिखाई दे रही है, हमें उसके ऊपर जाना है। और ये देखिए चारों तरफ पहाड़ों के बादल, क्या नज़ारा है, अमेजिंग। हम ये ट्रैक अगस्त में कर रहे हैं, मानसून आ चुका है तो पूरा पहाड़ों पे जगह जगह तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो लोग ट्रैक करके नीचे लौटे हैं उन्होंने बताया कि ऊपर पनियार बोगयाल में आपको वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह फूल देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, अमेजिंग। चारों तरफ बादल, वो देखिए नीचे वो जो गांव दिखाई दे रहा है सगर, वहां से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। मेरे ख्याल से हम लोग करीब 2 किलोमीटर आ चुके हैं। टाइम है 6:05 कम और हम लोग ट्रैक चढ़ रहे हैं रुद्रनाथ। करीब 3 से 4 किलोमीटर चढ़ाए हैं। और दोस्तों, आप जब भी कभी यहाँ आए, जब भी कभी यहाँ आए तो एक घास है दोस्तों यहाँ पे, जिसको बिच्छू घास कहते हैं, उससे दूर है। अगर वो आपके पैर में छू भी गई, ये देखिए 10 मिनट कर लाएगी इसको जैसी, तो आधा घंटा रुक रुक के साला जलन होती रहेगी। मौसम बेहतरीन है और हर जगह छोटे छोटे झरने ट्रैक पे चल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम पुंग बुग्याल तक तो पहुँच ही जाएंगे आज, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, रुकना है, आगे जाना है। वो देखिए बादल सीधा एकदम खड़ा चढ़ाई है। बेहतरीन नज़ारा, हमें उस चोटी के ऊपर जाना है। ऊपर दिखाई दे रही है, वो देखिए वो ये देखिए बड़ा जोश आ गया है, अभी बैठ जाएंगे थक्के। बम बम बोले। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग रुद्रनाथ ट्रैक पे काफी ऊपर चढ़ाए हैं और आप देखिए मेरे पीछे ये बादल ही बादल हो रहे हैं सारे। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ बादलों में डूब चुके हैं, बेहतरीन व्यू है, बेहतरीन। और ये देखिए घना जंगल है, छोटे झरने हैं, झरनों का पानी छूकर कुछ वादे करने हैं। एक बात तो आप मान लीजिए कि रुद्रनाथ ट्रैक के बारे में एक बात कही जाती है कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपने एक बार रुद्रनाथ ट्रैक कर लिया तो फिर दुनिया का कोई भी ट्रैक, पंच केदारों में से कोई भी ट्रैक आपको रोक नहीं सकता है, चाहे वो हरकीदून ट्रैक हो, चाहे गंगोत्री ट्रैक हो, सबसे कठिन है। और ये देखिए चलते चलते हम लोग पुंग बुग्याल पहुंच चुके हैं, लगभग रुद्रनाथ ट्रैक पे 5 किलोमीटर ऊपर। वो देखिए झरने, शायद आपको ना दिख रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो झरने ऊपर से बहते हुए आ रहे हैं। वो क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, इसको देखकर आप हिमाचल का खजियार भूल जाएंगे। और अतुल जी कैसा महसूस कर रहे हैं? Now feel better. यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक खाने पीने और रहने की व्यवस्था है, लगभग 300 रुपये में ये लोग फूड और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आज ही थोड़ा और ऊपर चले जाएं।
हेलो दोस्तों, पनार से 2 किलोमीटर आगे आके एक कैंप तरह के कैंप या ढाबा समझ लीजिए ऐसी साइट है, वहाँ पे हमने स्टे कर लिया था और हमने 6 बजे ट्रैक चलना फिर से शुरू कर दिया है। ये देखिए वो ऊपर जो पीक दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर जाना है। तो अब रास्ता बहुत ही स्टीप हो चुका है पनार के बाद। पनार से 2 किलोमीटर के बाद चढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि 70 डिग्री का एंगल है, बहुत स्टीप है। लोगों ने बताया कि पनार के बाद रास्ता थोड़ा सा कम स्टीप हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हमारे अतुल जी बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं। चढ़ते चढ़ते पनार से लगभग हम लोग 2.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हमें वो देखिए वो ऊपर, उसके ऊपर जाना है। और जितनी बार देखते हैं वो ऊंचाई उतनी ही ऊपर दिखाती है, लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल घट भी रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत हम लोग नहीं हारेंगे। और ये देखिए सामने बादल हम लोगों के लेवल में आ चुके हैं और वो नीचे पुंग बुग्याल, और वो सबसे नीचे वहाँ जहाँ से हमने सगर गांव से ट्रैकिंग शुरू की थी। देखिए काफ़ी सारी पीक्स के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है और ये देखिए फूल दिखना, रंग बिरंगे फूल दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। बेहतरीन जंगल है। आगे मिलते हैं ल्यूटी पर। देखिए दोस्तों तरह तरह के फूल जो प्लेन एरियाज में नहीं दिखते दिखने लगे। बताया जा रहा है कि ऊपर पनार में तो आपको बिल्कुल वैली ऑफ फ्लावर्स का एहसास होगा। तो देखिए दोस्तों, पुंग बुग्याल के बाद हम लोग ये जगह पहुंच चुके हैं जिस जगह का नाम है मौली खड़ा, और यहाँ पे आपको रहने और खाने की सारा अरेंजमेंट मिल जाता है। हालांकि हम लोग इससे थोड़ा नीचे एक ढाबे पे रुके थे, पप्पन सिंह शायद उनका नाम था, वहाँ पे भी रात में आप खाने पीने का अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी तो इन्हीं ने बुरांस का जूस पिया, इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। क्या को क्या गया, अंधेरा छा रहा था। अरे मोबाइल मतलब बैटरी सब लोग खत्म ना हो इसलिए स्विच ऑफ कर दिया था। नेट कर ला। आप पहुंच गए। देखिए दोस्तों पूरा इलाका बादलों से घिर चुका है और हम लोग भी इस समय बादलों के बीच में ही हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग ल्यूटी बुग्याल तक पहुंच चुके हैं। अप्रॉक्स पुंग बुग्याल से ये लगभग होगा 4 किलोमीटर। एक्चुअल में रुद्रनाथ ट्रैक की जो टोटल लेंथ बताई जाती है 18 किलोमीटर, लेकिन वो कहीं से भी 18 है नहीं। जैसा कि लोकल्स बताते हैं कि इसकी ट्रैक की लंबी दूरी 24, 25, 26, 27 ऐसे बताते हैं, और मेरे ख्याल से वो किसी भी हालत में 25 किलोमीटर से कम नहीं है। तो रास्ते में आप पुंग बुग्याल पर रुक सकते हैं, वहाँ ना मिलें तो पुंग बुग्याल से 2 किलोमीटर ऊपर एक बब्बन जी हैं, पप्पन जी कुछ नाम है उनका, एक कैंप जैसा है, और अगर वहाँ ना रुकें तो उससे थोड़ा ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर मौली खड़क है, वहाँ पे रुक सकते हैं, और उसके बाद फिर ल्यूटी बुग्याल। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना बहुत कुछ है, चढ़ाई बहुत दुर्गम है और एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया है और ऑक्सीजन लेवल, हमको बार बार रुक कर यहाँ तैरना पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रैक करें तो अपने साथ हमेशा कुछ जूस वगैरह रखें, एनर्जेटिक, हाँ कुछ भी ऐसा एनर्जेटिक चीज़ रखें, जूस टाइप की चीज़ें। आप बुरांस का शरबत ले सकते हैं जो कि एकदम एनर्जी बूस्ट करता है, बीच में मैगी वगैरह खा सकते हैं।
ज्यादा भारी मतलब ज्यादा भारी अपने सामान भी अपने साथ लेकर ना चलें, सिर्फ एक गर्म कपड़ा और स्पोर्ट्स शूज। वैसे हम लोग तो चप्पल पहन कर रहे हैं और अब हमारा सफर बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। चलिए आगे पनार पे मिलते हैं। जय बोले, जय बोले, बम 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 बोले, हर हर महादेव। ये देखिए लुट्टी बुग्याल, यहाँ पे रहने खाने पीने वगैरह की काफ़ी ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। हालांकि बेसिक हैं लेकिन फिर भी यह है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इतनी ऊंचाई पर जो मिल जाए वो ठीक ही है। और कैंपिंग का तो पूरा मज़ा आप ले ही सकते हैं, बेहतरीन। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि नेचर यहाँ पे अपने फुली लोडेड अवतार में है, फुली लोडेड। नेचर इज फुली लोडेड हियर। अगर आप नेचर को इंजॉय करने में यकीन रखते हैं और उसके बहुत ज़्यादा फैन हैं नेचर के, जैसे मैं हूँ, मुझे नेचर के करीब रहना बड़ा अच्छा लगता है, शहरों से थोड़ा दूर रहना अच्छा लगता है, तो अगर आप ऐसे हैं तो आप यहाँ आके कम से कम 2-3 दिन स्पेंड ज़रूर करें और फिर भोलेनाथ का आध्यात्मिक एहसास तो है ही इस जगह पर। लोग ये कहते हैं, मैं तो जा रहा हूँ, कि एक बार आप पनार पहुँच जाओगे तो आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करोगे। देखिए छोटे छोटे ऐसे इनको पानी के स्रोत कह सकते हैं, आपको रास्ते पर मिलेंगे तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पे, और आपको एकदम मिनरल से रिच पानी पीने को मिलेगा। ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ों को बादलों ने घेर लिया है और यहाँ पर फिर कुछ कैंप्स हैं। अभी हम लुट्टी बुग्याल में ही हैं और दोस्तों अगर आपको माउंटेन टूरिज्म में थोड़ी सी भी रुचि है, इंटरेस्ट है और आप मसूरी, नैनीताल, शिमला वगैरह जाते हैं तो एक बार आप रुद्रनाथ जैसे ट्रैक पर ज़रूर आएं। अगर वो सतह है, वो माउंटेनियरिंग की, शिमला मसूरी नैनीताल माउंटेनियरिंग की एक बेस लेवल है, सतह है, और ये ट्रैक्स जो हैं रुद्रनाथ जैसे ये हाइट्स हैं माउंटेनियरिंग की। मतलब जो एहसास आपको यहाँ अगर होगा वो आप कभी वहाँ नहीं कर पाओगे। अब देखिए हम लोग बहुत सारी पीक्स के ऊपर हैं और बहुत सारे बादलों से ऊपर हैं, बस थोड़ा सा ये है कि आपका फिटनेस लेवल ठीक होना चाहिए ताकि आपको सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होने वाली, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है और थोड़ा सा आपको पैदल चलना और ये सब फिटनेस अपनी ठीक रखनी होगी, उसके बाद आप यहाँ पर। देखिए दोस्तों हम लोग पनार पहुँचने वाले हैं और व्यूज़ क्या अमेजिंग आ रहे हैं। हम लोग ये समझ लीजिए ज़्यादातर माउंटेन्स की पीक से ऊपर हैं और हम लोग बहुत सारे बादलों से भी ऊपर हैं। वीडियोज़ में और फोटो में आप महसूस भी नहीं कर सकते जैसा हम फील कर पा रहे हैं। अमेजिंग। जय बोले, जय बोले। फाइनली हम लोग ट्रैकिंग करते 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 पनार बुग्याल पहुंच चुके हैं। देखिए व्यू कितना अमेजिंग आ रहा है और हमें इस ट्रैक पे वो ऊपर उधर जाना है। अमेजिंग। पनार बुग्याल में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, देखो
ये अतुल वीडियोग्राफी करते हुए। ये हमारे सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ चौकी वगैरह है। देखिए दोस्तों, नीचे का नज़ारा बिल्कुल बादलों से घिर चुका है। रेंज है जो पूरी बर्फ से ढकी हुई, जो कि अभी दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा बादलों ने घेर रखा है। पनार बुग्याल अपने आप में खजियार को भी मार देता है, अमेजिंग। इसको आप सिर्फ यहाँ आकर ही फील कर सकते हैं। अब हमने दोस्तों पनार बुग्याल के आगे से ट्रैक करना शुरू कर दिया और ये रास्ते में एक छोटा सा मंदिर है और ये ट्रैक हमें ऊपर ले जाएगा। धुंध काफ़ी बढ़ चुकी है, बादल ही बादल हैं पूरे रास्ते में और अभी तक मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं, काफ़ी सारी जगहों पे, माउंटेन्स पे भी गया हूँ, लेकिन जो बात रुद्रनाथ ट्रैक में मैंने महसूस की, जो व्यूज़, जो प्रकृति के नज़ारे, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अल्टीमेट, ज़बरदस्त, शब्द ही नहीं मेरे पास उसको बयान करने के लिए। ये एक साइन बोर्ड है वन विभाग का, देखिए नीचे पूरा धुंध धुंध, बादल ही बादल। और ये हमारे साथ ही है, तो इस बोर्ड में कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं रुद्रनाथ की यात्रा के बारे में। और फिर हम रुद्रनाथ मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, जय बोले 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 हर हर महादेव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पनार से भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं, वो नीचे छूट चुका पनार, और हम लोग पितरधारा पहुंचने वाले हैं शायद। ऐसा नहीं कि पनार बुग्याल क्रॉस करने के बाद हमारी डिफ़िकल्टीज कम हो गई हैं, हमें अभी भी कम से कम 7 से 8 किलोमीटर जाना है और ट्रैक आगे भी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन व्यूज़ बड़े अमेजिंग आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आवाज़ कैसा गूंज रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बोले हर हर महादेव। हम लोग चढ़ते चढ़ते पनार से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मेरे ख्याल से हम लोग 3 किलोमीटर ऊपर आ रहे हैं। हवाएं एकदम बर्फीली हो चुकी हैं। सर्दी भी लग रही है, लेकिन क्या है कि हम लोग चल के आए ना, तो गर्मी की वजह से भी शरीर थोड़ा गर्म है। अब देख रहे होंगे बादल बादल जो हैं वो सीधे हमारी बॉडी को टच कर रहे हैं और वो इतने ठंडे हैं कि मैं पता नहीं सकता हूँ कि वो हवा कितनी ठंडी है। और मेरा तो ठंड से हाल बेहाल है भाई, देखो किन चलते हैं, वॉकिंग करते हैं तो उसमें ठंड थोड़ी कम हो जाती है,
ठंड लगना थोड़ी कम हो जाती, ठंड नहीं कम हो जाती, ठंड लगना कम हो जाती, ठंड लगना कम हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा, इफ यू वांट टू सी नेचर एट इट्स बेस्ट, गो फॉर नियरेस्ट, गो फॉर रुद्रनाथ। अभी भी ट्रक खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अतुल का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, जैसे कहा जाता ना कि मंजिल जितनी नजदीक आ जाती है उतनी दूर महसूस होती है, वही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। ठंड ज्यादा हो चुकी है इसलिए गर्म कपड़े में पहन चुका हूँ। फाइनली हम लोग पितरधार पहुंच चुके हैं। वीडियो में आपको धुंध दिखाई दे रही होगी, एक्चुअल में हम लोग बादलों के इतना ज़्यादा बीच में हैं, यहाँ पे बादलों की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी मुश्किल से 15-20 फुट की है। हम देख पा रहे हैं पितरधार, नीचे का ट्रैक पूरा नीचे की तरफ जाता है, अब ट्रैक आगे का। पितरधार से आगे का पूरा ट्रैक नीचे की तरफ जा रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। और कमाल की बात यह है कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, हम उस दिन रुद्रनाथ जी के दर्शन करेंगे। जय बोले। रुद्रनाथ के ट्रैक में कई जगह आपको ऐसे रंग बिरंगे फूल खिले मिलेंगे, पूरा खिले यहाँ से वहाँ तक, जो कि आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का एहसास कराएंगे। देखिए दोस्तों रुद्रनाथ ट्रैक में क्या अल्टीमेट व्यू आपको देखने को मिलेगा। लोग जस्ट मंदिर से थोड़ा ही दूर है, मंदिर से थोड़ी ही पहले तुमको ये भेड़ों का झुंड दिखाई दिया है। ठीक है, और यहाँ पे रंग बिरंगे फूल। हाँ ये देखिए दोस्तों रुद्रनाथ मंदिर यहाँ से दिखाई देने लगा है, और ये कुछ गेस्ट हाउस वगैरह है, उसके बाद वो कुछ ढाबे वगैरह टाइप के हैं, और वो ऊपर वहाँ पे वो सामने है वो रुद्रनाथ जी का मंदिर है। और भाई ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है, किसी भी हालत में ये 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर से कम नहीं है, और इसको एक दिन में करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो लोग लोकल्स हैं उनमें भाई बहुत स्टेमिना है, वो कर सकते हैं एक दिन में, बाहर से लोग आने वाले लोगों के बस का है ये नहीं है एक दिन में। देखिए पूरा फूलों से भरा हुआ पूरा इलाका, मतलब ऐसे समझ लो कि दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो फाइनली हम लोग रुद्रनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, और वो देखिए सामने रुद्रनाथ मंदिर ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हमारे सामने है। और ये यहाँ पे कुछ
होम स्टे इस टाइप के बने हुए हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। अद्भुत नज़ारा है, नीचे देखिए वो एक कुंड दिखाई दे रहा है और वो सामने बर्फ के पहाड़ ऊपर। अल्टीमेट फाइनली हम लोग रुद्रनाथ मंदिर पहुंच ही गए और मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे एक बार बीच में से वापस जाना पड़ा था तो मुझे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी थी दोबारा रुद्रनाथ आने के लिए। आज मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं क्योंकि एक बार मैं रुद्रनाथ ट्रैक पे पहले आया था, मुझे रुद्रनाथ जी के दर्शन करने थे और मेरे साथ मेरे बच्चे थे जिस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई रास्ते में, उसको एमएस का अटैक पड़ा और मुझे आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा। मई में मैं आया था, मई 2022, और तभी से मैं सोच रहा था कि मुझे एक बार फिर से दोबारा से हिम्मत करनी होगी और दोबारा से आना होगा और आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। जय भोलेनाथ। ये हम यहाँ रुद्रनाथ मंदिर से जस्ट नीचे ये भैया की एक दुकान है, यहाँ पे चाय नाश्ता खाना वगैरह सब मिलता है और इनका बगल में ही धर्मशाला भी है, वहाँ पे 100 रुपये में आपको रूम मिल, 100 रुपये में सोने की व्यवस्था हो जाती है, उड़ने बुझाने सब मिल जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए आग के पास ही आके बैठे हैं। सामने लगी पूरा धुंध हो रखी है, सामने त्रिशूल पर्वत दिख रहा है लेकिन धुंध की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 9 अगस्त 2022 है, शाम को हमने रुद्रनाथ जी के आरती में शामिल हुए थे जिनमें खूब दर्शन किए अच्छे से और अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं और चलते हैं। जय भोले, हर हर महादेव।